हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता एवं इसकी संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला स्लाइड है शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सार्वभौमीकरण का मतलब बता देती हूँ, ताकि आपको आगे कोई भी टॉपिक में सार्वभौमीकरण का मतलब अच्छे से पता हो और कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो देखिए, सार्वभौमीकरण जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है जनरलाइज। ओके, जनरलाइज मतलब कि हर एक के लिए होना, हर एक को पता होना, वो जनरलाइज कहलाता है। मतलब सभी के लिए एक समान फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हर तरह के लोगों को, जैसे कि वो आम आदमी या आम जनता तक की कोई भी पहुंच है, जो आम आदमी या आम जनता तक उसकी पहुंच को पहुंचाना ही यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, भारत में सार्वभौमीकरण का मतलब क्या होता है। तो भारत में सार्वभौमीकरण का मतलब होता है सभी बच्चों को स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना हर एज ग्रुप के बच्चों को, जिससे वे आगे प्रगति कर सके, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उनको प्रमोट किया जाए, जिससे उनके शिक्षा में निरंतरता बनी रहे और वो अपने जीवन में अच्छी और वो अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे उनकी उन्नति हो सके। ठीक है, और आगे जाके वो अपने प्रगति कर सके। ठीक है, तो शिक्षा के सार्वभौमीकरण क्या है? शिक्षा के सार्वभौमीकरण की भारत में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण है। आगे हम इसका मतलब पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमीकरण। देखिए, शिक्षा के जो सार्वजनिकरण है, सार्वजनिकरण को लोक व्यापीकरण भी कहते हैं, इसे सार्वभौमीकरण भी कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से उपलब्ध होना। ओके, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। अब देखिए, जो हमारे देश में शिक्षा के सार्वभौमीकरण का मतलब क्या, हमारे देश में शिक्षा का सार्वभौमीकरण का मतलब है कि हर बालक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना ही हमारे शिक्षा के सार्वभौमीकरण है। अब देखिए, हमारे भारत देश में देखा जाए तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हर बालक का मौलिक अधिकार है, हर एक लोग का मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिसका विधेयक 2009 में आया था और इसे 2010 में लागू किया गया था। तो शिक्षा के सार्वभौमीकरण, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण है। ओके, आगे चलते हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित कथनों के उदाहरणों से हम स्पष्ट करेंगे कि ये होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। ओके, तो पहला है, जेपी नायक के अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्र विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत में जनसाधारण से जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी रेखा की से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनाने योग्य बनाया जा सके। अब देखिए, जो जेपी नायक है, उनका कहना है कि शिक्षा को सार्वजनिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहिए। कहने का मतलब कि अपने समाज में बदलाव लाने के लिए, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए एक शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है।
ठीक है। अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए शिक्षा सबसे बेस्ट माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा को भारत के सभी वर्गों तक पहुंचाना, स्पेशली उन लोग को पहुंचाना जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं या अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, उन सारे बच्चों को। मेन मोटिव क्या है कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, ताकि उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके। अब देखिए, एक पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी, ठीक है, आत्मचेतना जागृत होगी, और इससे ये होगा कि वो राष्ट्र के लिए अपना योगदान देगा, ठीक है। फिर दूसरा है, एस चक्रवर्ती के शब्दों में देखते हैं, इनका क्या कहना है। इनका कहना है, सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। संविधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु के जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने हेतु आवश्यक भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा टॉपिक का नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इस सार्वभौमिकता में निम्नलिखित 3 समस्याएं हैं, सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। कहने का मतलब कि सार्वभौमिकता का अभाव क्यों है, ये सारे बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई से पिछड़ क्यों रहे हैं, हर एक बच्चों को इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, उसके बावजूद सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं विद्यालय में सीट जो है बच्चों की वो खाली रह जा रही है। तो इसका कारण क्या है, एक तो कारण है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। कहने का मतलब कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, ओके, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा नियम बनाया गया है कि अगर कोई भी प्राथमिक विद्यालय है तो वो बच्चे के गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अतः छात्रों को पैदल जाना पड़ता है जिससे कि उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें विद्यालय की दूरियों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आगे है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। नामांकन, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ये सारी दिक्कतें भी आती हैं जिसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इस समस्या के अंतर्गत बहुत से छात्र या छात्राएं ऐसे हैं जिनका विद्यालय में 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता है, कहीं कहीं पहली कक्षा के प्रवेश के समय छात्र की आयु 10 से 11 वर्ष भी होती है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल बच्चे का जो एडमिशन होता है वो 5 से 6 वर्ष में होता है, ठीक है, 6 वर्ष में उसका एडमिशन किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 से 11 साल का हो जाता है और वो कहीं अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में वो जब अपना एडमिशन करवाता है तो कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे अपने एजुकेशन से पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर परिवार के काम के अभाव में अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर गांव के बच्चों को देखा जाए तो उनके माता पिता खेत में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी साथ में काम पे ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता के साथ काम में लग जाते हैं और वो विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा अधूरी हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा को बीच में ही छोड़ने की एक सार्वभौमिकता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा की यह समस्या पहली 2 समस्याओं से जुड़ी हुई है। छात्र शाला में आकर
कुछ समय के पश्चात विभिन्न कारणों से विद्यालय छोड़ देता है। इससे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। अपरिपक्व अवस्था में छात्रों को शाला से हटाना शिक्षा के अपव्यय को बढ़ावा देना है। अब देखिए, कई बार ऐसे होते हैं, हर बच्चों की अलग अलग समस्या होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि खेत के कामकाज की वजह से नहीं आ पाते, कुछ बच्चे होते हैं कि जो घर के कामकाज की वजह से नहीं आ पाते। तो जो गांव के बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण उन्हें अपने विद्यालय को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। जैसे कि बेटियों को देखा जाए तो उन्हें घर का कामकाज संभालने को बोल दिया जाता है, वो विद्यालय नहीं आ पाती हैं। और भी जैसे लड़के हैं, उन्हें खेत का कोई काम दे दिया जाता है, जिसके कारण वो अपने विद्यालय में आके अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। और कोई ना कोई रीज़न के कारण वो अपने विद्यालय में ही अपने विद्यालय को बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों समस्याएं समझ में आई होगी। एक तो बच्चे को फैसिलिटी देनी है ताकि उसकी शिक्षा अधूरी ना हो, दूसरा उसके जो एडमिशन की प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करना है, और तीसरा ये कि बच्चा बीच में स्कूल को ना छोड़े, वो अपनी शिक्षा को पूरा प्राप्त करे, तो उसका भी सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हम पहले ऐसा नहीं होता था, अब सरकार ने क्या किया है कि मिड डे मील रखा है कि बच्चों को भोजन स्कूल में ही मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे खाना के एक लालच में या फिर भूख के कि हमें खाना मिलेगा तो वो स्कूल में दौड़े चले आते हैं। ठीक है, उन्हें बुक्स नई नई मिलती हैं, ड्रेस मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट करती है कि हाँ ठीक है, हमें विद्यालय जाना है। तो और भी थोड़े से और नियमों की ज़रूरत है, जिससे कि इन बालकों की शिक्षा अधूरी ना रह सके। तो इनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए सरकार को और हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। आगे शिक्षा के सार्वजनिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य, इसके कुछ उद्देश्य हैं, क्यों हम शिक्षा सबको देना चाहते हैं। तो पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। ठीक है, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्र का मानसिक विकास करना है। अब बच्चे को शिक्षा क्यों देनी है, उन्हें शिक्षा इसलिए देनी है ताकि उनका मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, शारीरिक विकास का उद्देश्य। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। अब देखिए, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि उनका शारीरिक विकास करना। ठीक है, मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास का खास ध्यान रखना ही हमारे शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। जब बच्चा स्वस्थ होगा तो वह अपने आप उसका मस्तिष्क स्वस्थ निवास होगा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अब देखिए, जब बच्चा ऑलरेडी पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, वो बहुत समझदार होगा, अच्छे से शिक्षा उसकी प्राप्त होगी, तो वो अपने नैतिक और चारित्रिक विकास उसका होगा। सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। ओके, अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। तो हमारे शिक्षा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनके नैतिक विकास करना है, उनका चरित्र का विकास भी करना है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना है। ठीक है, ये थे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य। अब आगे है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता एवं महत्व के निम्नलिखित कारण है। अब देखिए, शिक्षा के सार्वजनिकरण की जरूरत क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन सब का कारण हम जानेंगे। पहला है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक।
शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा। अतः आवश्यक है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य ही होना चाहिए। अब देखिए, हर बालक अगर पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़कर अच्छे से जब वो साक्षर हो जाएगा तो वो नौकरी करेगा, ठीक है, अपने परिवार को चला सकेगा, अपने समाज को और बेहतर बनाएगा, अपने राष्ट्र का विकास करेगा। तो इन सब चीज़ों का विकास, ओवरऑल सब चीज़ों का विकास करने के लिए शिक्षा का सार्वजनिकरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक, अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे हमारी आवश्यकता है कहीं घूमने जाना है या कोई सामान खरीदना है, ठीक है, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं क्या, डेफिनेटली हमें वो खरीदना पड़ेगा और उसके लिए हमें पैसों की, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तभी आएगी जब हम अच्छे से कोई अच्छी जॉब करेंगे, ठीक है, और वो सब चीज़ें करने के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को साक्षर बनना पड़ेगा। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसे सार्वजनिकरण की शिक्षा दी जाए। साक्षर व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने घर का हिसाब किताब, क्रय विक्रय करने तथा समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण होना जरूरी है। स्व शिक्षा के लिए आवश्यक, मतलब खुद के लिए, खुद का शिक्षा देना या खुद की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा के सार्वजनिकरण। अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं पीढ़ी योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति, कौशल एवं आकांक्षाओं का विकास कर सकता है। अपना अध्ययन भी व्यवसाय के साथ निरंतर रख सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर चौथा पॉइंट है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास हेतु एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। अब देखिए, मनुष्य को समाज से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो वो सबसे अच्छा जोड़ने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। ठीक है, जिसे कि हम हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। आगे है, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का महत्व डॉक्टर प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रजातांत्रिक देश के विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। जनता के सहयोग से जनतंत्र का आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।